इवनिंग, मैं आज एक नया वॉयस दिखाने वाली हूँ जो प्रीवियसली मैं ऑलरेडी बना चुकी। मंजारो फैमिली का है वो, मंजारो बर्च का बना चुकी मैं, और मंजारो सिनेमॉन का बना चुकी और मंजारो जीनोम का बना चुकी। अभी ये फोर्थ वर्जन है उसमें मंजारो फैमिली से, मंजारो मेट है। ये लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन का है जो कंबाइंस स्टेबिलिटी एंड सिंपलिसिटी ऑफ आर्क लिनक्स का है। यूज़र फ्रेंडली मेट है, डेस्कटॉप एनवायरनमेंट मेट है, लाइट वेट है। तो डेस्कटॉप एनवायरनमेंट में ये प्रूव्स द ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग एक्सपीरियंस। तो इसमें हम लोग जो नेसेसरी है, हम लोगों को क्या चाहिए, 4 GB ऑफ मेमोरी चाहिए, 30 GB ऑफ हार्ड डिस्क स्पेस चाहिए, डुअल कोर प्रोसेसर चाहिए, हाई डेफिनेशन HD ग्राफिक्स कार्ड एंड मॉनिटर चाहिए, ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन भी चाहिए। और जो ये मंजारो फैमिली है, जो मंजारो है, वो फ्री एंड ओपन सोर्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। वो फोकसेस यूज़र फ्रेंडली एंड एक्सेसिबिलिटी। इट यूजेस ए रोलिंग रिलीज अपडेट मॉडल एंड लाइक पैकेज मैनेजर। तो अभी फ़िलहाल तो हम लोग, मैं ऑलरेडी वो 3 बना चुकी हूँ, तो अभी ये 4th मंजारो मेट में क्या एडवांस फीचर्स है, कैसे डाउनलोड करना क्या है वो देखेंगे एक बार। तो गूगल क्रोम या कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए, ओपन करके मंजारो MANJARO टाइप कर लीजिए, एंटर कर लीजिए। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मंजारो आ गया, और HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। हमेशा जब भी कोई भी डाउनलोड कर रहे तो HTTPS चेक कर लीजिए। और यहाँ पर देख सकते हैं गिट मंजारो है, डाउनलोड इंस्टॉल मीडिया है। इन गिट मंजारो में एक बार क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं x86-64 है, ARM है, और x86-64 हम लोग अभी सेलेक्ट करने वाले हैं क्योंकि ये लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप्स को सपोर्ट करने का है, और ARM जो है वो फ़ोन्स और टैबलेट्स एंड लैपटॉप्स को सपोर्ट करता हूँ। तो अभी हम लोग x86-64 डाउनलोड कर लेंगे तो हमारा मंजारो मेट डाउनलोड हो जाएगी। और मैं अभी रुफ़ुज़ को डाउनलोड करने वाली हूँ क्योंकि बूटेबल पेन ड्राइव करने के लिए हम लोगों को रुफ़ुज़ को डाउनलोड करना चाहिए। तो न्यू टैब में रुफ़ुज़ डाउनलोड कर लीजिए, और यहाँ पर रुफ़ुज़ ओपन होने के बाद 16 GB पेन ड्राइव इंसर्ट कर लीजिए। 8 to 16 GB पेन ड्राइव इंसर्ट करके यहाँ पर स्टेटस जो है रेडी है, स्टार्ट है, रेडी पे क्लिक कर लीजिए। ग्रीन कलर कंप्लीट होने के बाद सिस्टम को रीस्टार्ट कर लीजिए। एक बार सिस्टम रीस्टार्ट होने के बाद आप लोगों को बूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा बूट विथ एन ओपन जो आ गया वो उस पर क्लिक कर लीजिए, और मेरा बूटिंग स्टार्ट हो गया। अभी मंजारो का फीचर्स क्या है वो देखेंगे एक बार, मंजारो मेट का फीचर्स। यहाँ पर बूटिंग कंप्लीट हो गया मेरा। कंप्लीट होने के बाद अभी हम लोग मंजारो मेट का जो होम स्क्रीन है वो देखेंगे। मंजारो मेट का होम स्क्रीन आ गया, वेलकम टू मंजारो आ गया। यहाँ पर कंप्यूटर मंजारो होम है, इंस्टॉल मंजारो लिनक्स है, ट्रैश है। तो अभी हम लोग फीचर्स देखेंगे एक बार। मंजारो मेट टर्नल है यहाँ पर, और फायरफॉक्स है, ये इंटरनल आ गया। तो मंजारो बर्ज और मंजारो सिनेमॉन और मंजारो जीनोम से थोड़े एडवांस फीचर्स हैं, एक बार डाउनलोड करने वाले करके देख लीजिए। नया OS ट्राई करने वाले को ये बहुत अच्छा लगेगा। तो कंप्यूटर भी देख लीजिए, VLC है, फायरफॉक्स एडवांस आ गया। तो यहाँ पर मंजारो मेट में थोड़े एडवांस है, ओपन इन टर्मिनल है, डॉक्यूमेंट है, बहुत सारे ऐप, अपीयरेंस परफॉर्मेंस प्रेफरेंसेस है। तो एक बार डाउनलोड करने वाले डाउनलोड कर लीजिए, और ये पूरा फीचर्स चेक कर लीजिए, ऐप्स चेक कर लीजिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा
समवॉट इन्फॉर्मेटिव लगा प्रीवियस मंजारा फैमिली से अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.